तो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो निकल रहा है कोर्ट में। तो ये वैकेंसी जो मिल रही है न्यायालय में, आपको वैकेंसी मिल रही है 8वीं 10वीं 12वीं पास, कोई भी कैंडिडेट यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकता है बिना किसी आवेदन शिले के। तो जान लेते हैं इस फॉर्म की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइवर की पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद में स्वीपर की पोस्ट दिखा देंगे। और जो पोस्ट निकल रही है, मतलब 10 प्रकार की पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। ड्राइवर की पोस्ट मिल रही है, सफाई कर्मी की पोस्ट मिल रही है, पियोन की पोस्ट मिल रही है, चौकीदार की पोस्ट मिल रही है। तो टोटल कुल मिलाकर 10 पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। तो प्रथम बात कर लेते हैं, यहाँ जो पोस्ट निकलती है ड्राइवर की, पहली पहले ड्राइवर की पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं। इसमें जो आपको वेतन मिल रहा है 19,500 से लेकर 62,000 रुपये इसमें पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। योग्यता रहेगी 8वीं पास, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। इसके साथ हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसी निकल रही है एग्जामिनर की। तो यहाँ देख सकते हो, इसके लिए भी 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 19,900 से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा, जो मिलेगा 62,000 तक। और यहाँ देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी मिल रही है 8वीं पास के लिए, ये भी वैकेंसी आपको 8वीं। टोटल 26 वैकेंसी मिल रही है, 15,700 से 50,000 रुपये इसमें आपको वेतन मिल सकता है। तो वेतन भी अच्छा है और पोस्ट भी अच्छी मिल रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं 6 नंबर की जो पोस्ट है, नाइट वॉचमैन की, मतलब जो चौकीदार होते हैं रात्रि। तो यहाँ 11 पोस्ट मिल रही है, जो वेतन मिल रहा है 15,700 से 50,000 रुपये पर मंथ, जो अवेलेबल रीड एंड राइटन। तो मतलब आपको बस इसमें योग्यता नहीं रखी गई है किसी प्रकार की, बस आपको पढ़ना लिखना यदि आता है, मतलब आप साक्षर हैं, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखी गई है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी पोस्ट निकल रही है मसालची की। यहाँ देख सकते हो 7 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है, आप साक्षर होने चाहिए और आप यहाँ भी साक्षर इसकी योग्यता रखी गई है। 15,700 से इसमें आपका वेतन स्टार्ट हो रहा है, 50,000 रुपये तक आपको इसमें पेमेंट मिल जाएगा। स्वीपर की पोस्ट के लिए भी यहाँ आप केवल आपको साक्षर होना अनिवार्य है। तो और इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की। आपको यहाँ 7 वैकेंसी मिल रही है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें मतलब आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री, और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट हमारी निकल के आ रही है सेंट्री वर्कर की। तो इसमें आपको 2 पोस्ट मिल रही है। तो इसमें देख सकते हो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 से लेकर 35 ईयर्स का, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस है OBC BC के BC कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर 32 ईयर्स, और जो अदर हैं उनके लिए यहाँ 18 से लेकर 30 ईयर्स का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए रखी गई है 40 ईयर्स, और सर्विसमैन के लिए रखी गई है 53 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हो ये डिटेल्स है इस। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है, तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहाँ हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में यदि आप इंटरेस्ट हैं तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये फॉर्म बिना किसी आवेदन शुल्क है, मतलब इसमें आपको फीस किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ रही है। यहाँ देख सकते हो इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका जो 4th ग्रेड की पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और जो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। केवल रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद में आप सेलेक्ट हो। तो आपको यहाँ 33-35% नंबर लेके आने हैं, यहाँ कंपटीशन सबसे कम होता है। जो और डिटेल्स दिखा देते हैं, यहाँ देख सकते हो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाएंगे, उस वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करना है, और वो फॉर्मेट आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है मित्रों, इस एड्रेस पे भेज देना है 30/11 तक। ठीक है, इस एड्रेस पे भेज देना 30/11 तक। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी रेड कलर में, तो रेड फ्रंट में ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में सिंपल टाइप करना है, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन या करियर का ऑप्शन खुलेगा, उन दोनों में से एक चुनना है, और ये इस फॉर्म का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रहेगी तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाहर के भी लोग कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों प्रकार की वैकेंसी है। इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे, तो इसमें क्या है कि आपको लोकल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, तो आपको आती है तो बहुत ही अच्छा, यदि नहीं भी आती है तो आप कुछ इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो इसके लास्ट डेट रहेगी मित्र फॉर्म सबमिट करने की, तो सबमिट करने की हम आपको दोबारा बता देते हैं, फॉर्म जो स्टार्ट हो गया है वो हो गया है
3/11/2018 से, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 30/11/2018 तक आप ये फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों ये आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन कैसा लगा अपना कमेंट हमें दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।